जा बकर बकर मेरा देखिए इसने क्या हाल करा का हाथ मत होगा बिल्ली हो रही ऐसे पता है डरता है जैसे इसके परफ्यूम लगाते हैं ना इसको देखिए रुकेगा ना फिर गोदी में चल अब आता बाप बोले अब अच्छा एक्टिंग बहुत करता है एक्टिंग बहुत करता है ये ऐसे करते ना अगर लगता है इसको निकलना है तो फिर रोने लगेगा सो वेलकम बैक टू मचा गाइस आप सब ठीक हो टाइम हो चुका है भाई 12 बज लिए सो के बाद उठ लिया थोड़ा सा जल्दी मैं और मेरे को आज जाना है करोलबाग पे जाना है वो शायद आपने थंबनेल में देख लिया होगा जल्दी से रेडी होते हैं फिर निकलते हैं भाई करोलबाग के लिए एक तो फोन भी तो बहुत आवा हमारे घर में तो भाई टैल आ चुकी है अपनी एंड कितनी पेटी है इसमें 90 गिनी जाए वैसे ही मेरा देख तो लू वैसे कलर कैसा है इसमें तो है पूरे यार इधर कहीं जाता है तो भाई फिलहाल नहा लिया हूँ एंड अभी कपड़े भी चेंज कर लिए तो मैं लग रहा है वही सेम ब्लैक कपड़े है भाई जो भाई टी शर्ट भी सेम सी लग रही है बट भाई मेरे को ब्लैक सबसे ज्यादा पसंद है आजकल खास करके लूज टी शर्ट मेरे को ज्यादा कंफर्टेबल लगती है और अभी कर लेते बाल सेट वरना पता चला लाइट चली जाएगा फिर मैं बोलती हूँ भाई लाइट चलेगी इसलिए मैं बाल सेट नहीं कर पाया और आप सब बोलते रहते हो कि अच्छा भाई आप डेली अपने बालों में हेयर ड्रायर यूज करते हो हाँ भाई मैं डेली अपने बालों में हेयर ड्रायर यूज करता हूँ बट मैं उससे पहले बहुत सारी चीजें यूज करता हूँ जिससे मेरे बाल डैमेज होने से बच जाते हैं मैं बताता हूँ आपको क्या यूज करता हूँ मैं यूज करता हूँ हॉटशॉट रेंज तो ड्रायर यूज करने से पहले मैं यूज करता हूँ बी ब्लेंड का हेयर प्रोटेक्शन हेयर मिस्ट और बी ब्लेंड के हेयर मिस्ट के अंदर है प्रो विटामिन बी एंड ग्रेपसीड ऑयल जो कि आपके बालों को हीट से प्रोटेक्ट करता है और ये आपके बालों को 230 डिग्री तक सेफ रखता है तो फिलहाल मैं आपको बताऊंगा कि बी ब्लेंड के हॉट शॉट हीट प्रोटेक्शन हेयर मिस्ट के अंदर क्या फायदे हैं तो अभी मेरे पास है एयरबड इसके एक कोने पे मैं यूज करूंगा हेयर मिस्ट और दूसरे कोना छोड़ूंगा ऐसे ही एक कोने पे मैं चला के देखूंगा देखो ये अपन बाल होते हैं जो ड्रायर यूज करते हैं ऐसे काले पड़ने लग जाते हैं और जिस तरह मैं यूज करता हूँ उस तरह देखो कुछ भी नहीं हो रहा है देखो कितना ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहा है तो मैं ड्रायर यूज कर लिया बाल मैंने सेट कर लिया अब पूरे दिन इन बालों को ऐसे ही होल्ड रखने के लिए मैं यूज करूंगा बी ब्लेंड का हॉट शॉट होल्ड स्प्रे इसको यूज करना भी बड़ा ही आसान है जैसे आपको अपनी हेयर स्टाइल रखना है वैसे सेट करके उसके बाद उसको ऐसे स्प्रे कर देना अपने से ऊपर बालों में तो जैसे मैंने अपने बाल सेट करे ये वैसे ही इंस्टेंट आपके बालों को होल्ड कर लेगा और पूरे दिन आपके बालों को ऐसे ही होल्ड रखेगा और बी ब्लेंड के हॉट शॉट स्प्रे के अंदर ये फायदा है कि आपके बालों को डैमेज नहीं करता है और इसको मैं डेली यूज करता हूँ तो आप भी डेली यूज कर सकते हो इसके बाद मैं यूज करूंगा अपने बालों में बी ब्लेंड का हॉट शॉट फिनिश स्प्रे तो अपने बालों में रेडिएंट शाइन देने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो जब भी आप पार्टी में जा रहे हो आपको लगता है स्पेशल डे है तो जैसे और आपको पता है स्प्रे को सिर्फ 15 सेंटीमीटर दूर से ही अपने बालों में यूज करना है अब मेरे बालों में शाइनिंग रहेगी और मेरे बाल ऐसे पूरे दिन होल्ड रहेंगे और जो ड्रायर से डैमेज होने की बात थी वो भी मैंने आपको बता दी तो तुम्हारे भाई के तो बाल सेट हो चुके हैं अगर आपको भी प्रोडक्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक छोड़ दूंगा बाकी आप बी ब्लेंड की ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर इनको परचेज कर सकते हो अगर आप बी ब्लेंड की ऑफिशियल वेबसाइट से इनको परचेज करते हो और मेरे कूपन कोड यूज करते हो Ajju2023 तो आपको 20% ऑफ मिल जाएगा वो भी विवरण के सारे प्रोडक्ट्स पे और इसके अलावा ये आपको Amazon, Nykaa, Flipkart पे इजीली मिल जाएंगे तो वेट मत करो अगर आपको भी चाहिए देखो बिल्कुल बाल सेट हो गए अब मैं कितने हाथ लगा लूं ये कहीं नहीं जाएंगे पूरे दिन ऐसे रहेंगे इसलिए सेट रखता तुम्हारे भाई बाल अपने बाल तो भाई फिलहाल हो चुके हम नाके रेडी एंड अभी निकल चुके हैं हम भाई करोलबाग के लिए और मेन चीज है कि आज मुझे पता लगा मेरे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे लोग आज HD में नहीं आ रहा है व्लॉग की क्लियरिटी गिर चुके भाई प्रोसेसिंग में अभी भी प्रोसेसिंग ही दिखा रहा है वो HD का और मैंने व्लॉग रात को ही एडिट करके आपको पता है और अपलोड कर दिया था बट ये कोई यूट्यूब की तरफ से ग्लिच है जिसकी वजह से क्लियरिटी नहीं आ पा रही तो भाई सॉरी उसके लिए एंड फिर मैंने देखा कम से कम एक घंटे बाद जाके मगर अब मैं इसको डिलीट करूंगा और दोबारा अपलोड करूंगा तो फिर वो फायदा नहीं रहेगा तो इस वजह से मैंने छोड़ दिया मगर कोई नहीं आज मैनेज कर लो नेक्स्ट टाइम से ये चीज नहीं होगी भाई तो बाकी चलते हैं फिलहाल हम जा रहे हैं भाई कहाँ पे हम जा रहे हैं करोलबाग क्योंकि जस्सी भाई की गाड़ी आई हुई है जैसे कि हमने बोल के आए थे कि भाई गाड़ी आप भेजना हम आपकी गाड़ी में जो चाहिए आप हम लगवाएंगे तो उन्होंने गाड़ी भेज दी है वो आते बट वो कहीं बिजी थे तो इस वजह से वो नहीं आ पाए कोई नहीं बट हम तो है ना तो गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है हमारी अभी टाइम हो चुका है भाई 12:30 तो अभी निकलते हैं यहाँ से भाई दिल्ली आए और ट्रैफिक जाम ना मिले ऐसा हो सकता है कभी अभी हम जैसे हरियाणा से दिल्ली में एंटर करें ट्रैफिक जाम मिलता है हमेशा मैं बोलता हूँ ना तो ये चीज होती है भाई क्योंकि दिल्ली और गुड़गांव में सिर्फ जहां से बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है वहीं से जाम लगना स्टार्ट हो जाता है
तो भाई सीन ऐसा है कि चमन अभी लौट रहा, चमन ने कल पी ली भाई दो कॉफी, खेल हाल रहे रे, छोड़ दी कॉफी, छोड़ दी कैसे दिल घबराहट होगी बहुत ज्यादा भाई, दो कॉफी पीने के बाद कह रहा कल रात घर जाकर दिल घबरा रही है, कौपन लग गई, बीपी आई होगा जो भी हो हुआ और तो चल आई चलाते नहीं चमन जिंदगी कॉफी नहीं पी, चाय पी करूँ चाय बढ़िया भाई यार चमन भाई चाय पिटवाए करे यार, हाँ यार चमन चाय पिटवाए करे भाई, हमने तो बचपन से चाय भी मारना होगा कुछ भी कॉफी तो मार्केट की पी दो दो भी पी ली तीन भी पी ली कुछ यार कॉफी थोड़ा ना कॉफी रखा है ये ओरिजिनल रखा है जिनके दिन ये भाई इनकी कॉफी थोड़ी हार्ड होती है एक्चुअली, और सीन ये था कि कल हमने कॉफी ली थी और वो तो सही रहा और सबके साथ हुआ है, मतलब हम तो चलो रेगुलर पीने वाले, जो रेगुलर नहीं पी रहा था ना वो कॉफी पी लेता ना उसको क्या होता है कि बेचैनी हो जाती है। 2 किलोमीटर में 19 मिनट तो भाई फिलहाल टाइम हो चुका है भाई 2:48 एंड हम निकले हुए थे 12:30 का, तुम देख लो कितना टाइम लगा है हमें, बहुत जाम लगवा रखा आज रोड पे ना, क्योंकि हमारी रोड खाली है देखो, नहीं आपकी रोड खाली है, जाम लगने से गाड़ी अंदर आई नहीं थी, ऑन द वे तो बहुत जाम था ना, ऑन द वे तो बहुत जाम था, बट भाई ये लाइट रेडी हो चुकी है, क्या क्या लगवा रखा है वैसे भाई, तो रूफ लाइट लग रही है और स्पॉइलर लग रहा है, रूफ लाइट और स्पॉइलर, हाँ जी, ये जस्टी वाली भाई गाड़ी है, 2 अब 2 8 नंबर गाड़ी आ गया आपके पास है, 2 बाकी अभी घड़ी घटी हो जाएगी देख के बाजी, देखो ये लाइट तो सेम ही है वैसे तो, बस इसमें बैजिंग आ गई ना, मेरी बैजिंग ना है, मेरी बैजिंग कहाँ है मेरी वाली, ये हल्की सी इसकी शेप अलग है आपके वाली, अच्छा नहीं सेम ही तो है, सेम है पाजी, बस ये बैजिंग अलग है, पप्पू भाई ऐसे एक्सपोर्ट हो रखा है, आने वाले टाइम में लैंड रोवर वाले या घड़िया तो रिजल्ट आ गया, तो हमारे साथ तो बहुत काम करता लैंड रोवर का ना, जो मैंने रूप रेल्स आगे पीछे करे थे तो इनको वापस से मैं दोबारा सेट करवाऊँ, क्योंकि जब ड्रोन शॉट लेते हैं तो अजीब सा लगता है कि बीच में स्पेस लगता है, तो इस वजह से मैंने इनको वापस से वैसे सेट करवाते जैसे आए थे, एंड इधर लाइट लग रही है गाड़ी में तो अभी साफ कर रहे हैं इस गाड़ी को, तो लाइट की फिटमेंट ऑलमोस्ट हो चुकी है, बस अभी कनेक्शन कर रहे हैं, मेरा ये उधर हो रहा है सेटअप, और दोनों गाड़ियों का 8 नंबर है ये वैसे जस्सी पाजी की है, एंड क्या क्या होगा उसमें आगे दिखा दूंगा मैं आपको। लो भाई इस गाड़ी में स्पॉइलर भी फिट हो गया एंड लाइट भी फिट हो गई है, बट ये वाला स्पॉइलर अब तुम्हें अच्छा लग रहा होगा क्योंकि इसको मैंने एक्सटेंड कराया था यार, कार्बन फाइबर वाला, कब कर रहे हैं कार्बन फाइबर स्टार्ट, कार्बन फाइबर ले करेंगे जल्दी, सौरभ भाई से बोलना पड़ेगा, सौरभ भाई से सप्लाई देंगे, हाँ उन्होंने सप्लाई देता हूँ मैं, अब कार्बन फाइबर ही काम आएगा, वैसे कुछ दिन में आपका डिपेंडर अच्छी लगती है, अब काम करने में मजा आता है, काम करना भी मतलब क्या है आसान हो गया एक्सपेरिमेंट हो चुका है भाई, एक्चुअली सिखा दिया, हाँ बेसिकली जैसे जब हम फर्स्ट टाइम आए थे तो हमने जब चेक किया था तो क्या होता है उस टाइम वीडियो देख के हमें पता लगा कैसे कैसे काम होता है, मेरी गाड़ी में ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे लगे थे और इसमें सिर्फ मुश्किल से 10 मिनट में ये सारा काम कंप्लीट हो गया भाई, देखो गाड़ी भी सेम है नंबर भी सेम है ठीक है, बस सी एच और एच आर का फर्क है, बाकी गाड़ी में लाइट लग चुकी है दोनों गाड़ियों में, भाई सेक्सी लग रही है लाइट, ये तो बीच में मोटरसाइकिल वाले तंग करते रहेंगे बट मजा लगा अमेजिंग, लाइट लगने के बाद ना गाड़ी का लुक ही चेंज हो जाता है, तो बीच बीच में लोग आते रहते हैं ना ये थोड़े से अच्छे लगते हैं मुझे, बट क्या कर ना सकते ना रोड है भाई, हम भाई यार मेरा स्नॉर्कल ना थोड़ा सा लूज हो गया तो किसी ने पकड़ के खींच दिया था, क्या बोलना चाहोगे, अच्छी आपकी गाड़ी अच्छी तैयार हो गई है, जल्दी भाई गाड़ी अच्छी तैयार हो गई है ना, वैसे पंजाब से गाड़ी आ रही है तो मतलब फेमस तो हो ही रहे हो, अच्छा फील हो रहा है कि जिसकी भाई ने गाड़ी भेजी है स्पेशली काम करवाने के लिए, ये भरोसा होता है, भरोसे पे दुनिया जीती है बिल्कुल, बाकी देखो पाजी को तो जानते ही है ऑटो म्यूजिक एम्पोरियम, और भाई आपको डिफेंडर लगाने लग जाओ पीछे, बिल्कुल स्पेशली हम डिफेंडर का काम करते हैं, हाँ भाई सारा जल्दी ना सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाएंगे, मतलब बहुत सारी इंक्वायरी आई थी मैं उनको सप्लाई नहीं कर पाया, बट नेक्स्ट वीक तक वो प्रॉब्लम सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाएंगे, भाई देखो अब पाजी ने ना बहुत मोटे उसमें क्वांटिटी में ना ऑर्डर डाल दिया सारी गाड़ियों का, जैसे बहुत से लोग कमेंट्स हुए मेरे पास, कॉल भी आ रहे थे कि भाई भी सामान नहीं मिल रहा था ये नहीं मिल रहा था, तो क्या होगा कि कब तक सामान आ जाएगा, प्रॉब्लम 10 दिन तक होगा, 10 दिन में आपका सारा सामान मिल जाएगा डिफेंडर का, मतलब वैसा तो सारी गाड़ी मिल जाएगा, कैरियर हो गया लाइट हो गई आपका स्पॉइलर हो गया बॉक्स हो गया ऑटोमेटिक फुटस्ट हो गया बॉक्स हो गया लाइडर हो गई मट फ्लैप हो गए ये सब चीजें मिल जाएंगी, ये मतलब अब आने वाले टाइम में सब कुछ आपको कहीं जाने जरूरत नहीं, सिर्फ एक जगह आना आपका सारा काम हो जाएगा कम्प्लीट, तो वह भाई काम हो चुका है कंप्लीट, मेरी गाड़ी का जो स्नॉर्कल था वो लूज था, किसी ने पकड़ के मतलब इसको खींच दिया था, मैंने बताया नहीं ब्लॉग में, बट ये वाला ना लूज कर दिया था किसी ने तो पकड़ के खींच दिया था, तो अभी मैंने फिर से वापस टाइट करवा दिया है, भाई मत क्या करो ऐसे गाड़ी के साथ ना, बाकी काम हो चुका है इसमें भी डन अपनी में भी डन हो चुका है, मैंने पाजी से एक बूफर लिया क्योंकि एक्सयूवी का हमारे घर वालों ने क्या करा सामान डर गया बूफर फाड़ दिया, तो मैंने एक्सयूवी पाजी एक बूफर दे दो गाड़ी लाऊंगा आऊंगा वापस मगर बूफर दे दो, सोचा ठीक है पाजी थैंक यू सो मच, थैंक यू बहुत अच्छा लगा एंड
बाकी सती भाई को भी मजा आया होगा शायद काम में। हां सच है, आ रहा क्या मैसेज कह रहा भाई बहुत अच्छी लग रही गाड़ी। मगर भाई गाड़ी लग रही, बस एक कमी है पाजी कि रूफ ब्लैक करवा दो। कमी बताऊं क्या है? एक कमी ये कि सती भाई खुद नहीं आ पाए। हां अगर आया होता तो और मजा आता। और दूसरी चीज है रूफ ब्लैक करवा दो जब इसमें थोड़ा और हो जाए, क्योंकि अभी ना इसमें गाड़ी में थोड़ा सा अलग सी लग रही है लाइट, ये रूफ ब्लैक हो जाएगी और अच्छी लगेगी। इसमें आप पीपीओ करा दो स्मोक वाला। हां ये ब्लैक हो जाएगी फिलहाल, पीपीओ भी बाकी, ये ब्लैक पीपीओ और की भी। चलो भाई फिलहाल चलते निकलते हैं, टाइम हो चुका है। पाजी पता है 12:30 बजे निकलूंगा मैं और आपके पास 3 बजे पहुंचा। यहाँ लग रहा है मंदिर पे, वो स्कूल की छुट्टी का टाइम हो जाता ना, तो सबको बोला ना पंख मारे। क्या पढ़ोगे भाई? भाई तुम्हें एक चीज बताता हूँ, एक होता है शरम, एक होती है बेशरम, एक होता है बिल्कुल बेशरम। यू चश्मो मेरे को 10 बार खोलियो, आज मेरे को 10वीं वाली गाड़ी में पाया मेरे को और फिर भी मिल गया। चलो भाई चला चलते निकलते यहाँ से, एक तो हाइट बहुत अच्छी है हमारी। चलो थैंक यू सो मच भाई। भाई इन आदमी पे मैं इतना भरोसा करूँ ना कि जितना अपना आप पे भी ना करता हूँ मैं। टाइम हो चुका है फिलहाल 4 बज रही है, अब निकल लिया यहाँ से अपन गाड़ियों को लेके। सामने भी 8 नंबर चल रही है, ये भी 8 नंबर है। ओ भाई भाई गर्मी बहुत आज बहुत ज्यादा गर्मी है। बाकी जो ट्रिप की जो हमारी प्लानिंग थी वो हमारी चली रही है, और ट्रिप की वजह से मैंने स्नॉर्कल और जो रूफ है ये करवाया है मैंने सही, क्योंकि ट्रिप में ये बहुत जरूरी था। और ये स्नॉर्कल ना पकड़ के किसी ने खींच दिया था। और भाई ये वाले सनग्लासेस मेरे फेवरेट है, और ये मिलते ही नहीं है, मतलब बहुत कम चांस होता है ये मिल जाते हैं। मतलब कि किस्मत अच्छी है, एक बार तो विकास की गाड़ी में खो गए थे, एक बार घर में खो गए थे, फिर उसके बाद मिले, फिर मैं गया, फिर मैं जस्सी भाई वाली गाड़ी में छोड़ आया इनको। मगर भाई ये ठीक है, फिर मगर पता लगा आज मैंने देखो मग तस्वीर रखे वो मग उठा लो इनको। भाई कौन कौन चाहता है अगली गाड़ी मेरी वो मेरी फेवरेट कार है? नहीं मेरिडियन नहीं यार, रेंज रोवर। ऐसा तो नंबर थोड़ी लेके मेरे है ना, नंबर तो 0008 ही आएगा अपना, ही 8 नंबर रहेगा। तो अभी हम एक रेस्टोरेंट में आए हैं भाई, यहाँ पे हमने ऑर्डर दिया खाने का, और मेन चीज था कि यहाँ पे ना खाना पूछ रहे थे, तो जो भाई वेटर था ना वो इतने प्यार से बता रहा था, तो भूख लग रही है सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो इतने प्यार से स्लोली बता रहा सर शाही पनीर ले लीजिए, मटर पनीर ले लीजिए सर, और पनीर टिक्का मसाला ले लीजिए। मेरे पौने आ रहा हूँ मैं यार, ला कि मैं तुझे भी ला रहा हूँ कुछ देगा भी, या फिर ऐसी प्यार से भाई इतना मतलब ऐसे प्यार से बता रहा था, मतलब मेरे भीड़ है। हम ना ड्रोन उठा के गए, हम यहाँ आगे से सो लियो मैं वैसे सो कर उठाऊंगे। वह 100 रुपए कहाँ है भाई? सुसु कर देंगे, सुसु तो कैसे भरे, तुम सारे बाथरूम में ही हो। करण को फोन कर, करण बाथरूम में, तू कर दो कर, तू भी बाथरूम में। कैसे यार तुम क्या करते हो, तो कहाँ चलाते हो इधर, सुसु आते कहाँ से हो? पानी पानी पियो सुसु, ये पानी खराब कर लग रहे मैं बता रहा हूँ तुम्हें, पी रहे जिंदगी का एक मकसद है पानी पियो और मुंह तो बहुत सही पता, अगले वाले ने तो वो नहीं मुँहते हैं, ये तो नेचुरल चीज है ब्रो। भाई साहब अरे यहाँ बहुत अच्छी वीडियो बनाया विकास भाई, यहाँ पे लाइटिंग बहुत, लाइटिंग बहुत अच्छी है अंदर। पापा सामान दे दो पापा। अरे वो आ लिया है पंजाब के आदमी, आ लिया है पंजाब। भाई मैं तो सोच रहा था वहीं से लंदन निकल जाओ, वीजा नहीं मिला बस। तेरे को नहीं देंगे वो पता है, कह रहे इसको कहीं तो छोड़ दो अकेला, भगे पहुंच जाता है। भाई देख कहीं भी छोड़ दे, पकड़ूंगा तो जाई मैं। हाँ मुझे तो पकड़ ले, मुझे तो पकड़ ले, उन्हें देख ले नुकर, ये तो देख रहा है, ये देख कार्बन फाइबर सामान दे दो। अरे पापा कार्बन फाइबर देख, अरे मेरे पास रहना। भाई हम आके बैठ चुके टेबल पे, विकास भाई वहाँ मन नहीं लगा तो कह रहे यहाँ आ जाओ। गाइस तुम्हें चीज दिख रही है प्यारे हुआ बादल में, बादल में बालों में बाल पार दिए देख लो, मत करना भाई। मतलब ये करा कैसे ही बता पहले, ये कंटेंट तो नहीं था भाई, ये कंटेंट बन गया, ये शुरू हुआ था मजाक से, जैसे जिंदगी हमारी। हाँ तो फिर सीरियस हो गई, फिर कंटेंट बन गया यार। यार बस सही में तो फिर तो पूरे कटवा लें, कर दे चल, कल दोनों भाई वैक्सीन करना है, कराने चले तो यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ भी करा लेंगे, फिर एक जगह बचती है ऐसे ना। जब पंजाब से आता है इसके अंदर एनर्जी इतनी होती है ना सबसे ज्यादा, क्यों वह चिक्के पीता है।